मॉर्निंग मॉर्निंग सर। ऋषिकेश, क्या प्रॉब्लम आ रही बेटा? मैम का मैसेज आया भी मेरे वो पास। सर वो लॉग इन ही नहीं हो पा रहा है, जब हम वो करा है ना कि पे फीस वाले जिस पे क्लिक करके, तो वो फिर नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, उसमें रोल नंबर डालना है, बट फिर बोल रहा है यूजर नॉट रजिस्टर्ड। तो आप NEFT नहीं कर पा रहे हैं क्या? अब सर NEFT तो हो नहीं पाई, और किसी उससे करना पड़ेगा। वो सर हो नहीं सकता, ठीक कॉलेज में कोई कर नहीं सकता मुझे आज से ही मतलब। स्नैपशॉट भेजो, मैं दिखाता हूँ अकाउंट वालों को क्या यस दिक्कत। सर, मैं भी व्यस्त हूँ। यस सर। सर भेज दिया। मिल गया, मैं बता करते बताता हूँ। ओके क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मैंने आपको इस कैम्पटन एनालिसिस पढ़ाया था, उसके ये फॉर्मूले जो है ना, इन्हें नोट कर लें, क्योंकि ये फॉर्मूले कंपेरेटिवली ज्यादा आसान है टू रिमेम्बर। इसलिए इस कैम्पटन एनालिसिस के ये फॉर्मूले याद कर लो, क्योंकि इस कैम्पटन एनालिसिस में कुछ नहीं करना था, आपको QU निकालना है जो कि CNC है। तो घूम फिर के आपको ये CNC की वैल्यू निकालनी है। तो CNC की वैल्यू अलग अलग टाइप ऑफ फुटिंग के लिए अलग अलग है। तो ये NC के फॉर्मूले हैं, इन्हें नोट कर लो। ये आपकी बुक में नहीं है, तो प्लीज इन्हें नोट कर ले, और जब नोट हो जाए मुझे बताओ, फिर मैं अगली स्लाइड पे बढ़ूंगा। सर जो बेयरिंग कैपेसिटी वाले न्यूमेरिकल्स थे, उसमें मेनली कौन से उससे पूछा जाता है, मेयर ऑफ और स्टार्टिंग वाला? एरजागी से पूछ सकते हैं, IS कोड से पूछ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का तो पूछ रहे हो, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और मेयर ऑफ से नहीं पूछता? मेयर हॉफ, और इसमें फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है बेटा। पहली बात तो हाँ फॉर्मूले कुछ में वो कोई, ऐसे वो थ्योरेटिकल चेंज है कि एरजागी ने फेलियर प्लेन को बेस ऑफ द फुटिंग तक एज्यूम किया था, मेयर हॉफ ने सरफेस तक एज्यूम किया था, ग्राउंड लेवल तक। और एरजागी और मेयर हॉफ में जो डिफरेंस है वो बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर के फॉर्मूले में है। और फॉर्चुनेटली हाँ अभी आपको बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर के फॉर्मूले नहीं पढ़ने हैं, इस वजह से मेयरहॉफ और तेरजागी में प्रैक्टिकली आपके लिए कोई डिफरेंस बचता नहीं। और जो क्या बोलते हैं SC और S-गामा, SQ, इनसे इनसे भी निकालनी पड़ेगी ना? ये अगर हेजन बेसिक या IS कोड पूछता है अच्छा तो आपसे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि IS कोड पूछे, और IS कोड में आधी से ज्यादा चीजें बेसिक की ही यूज होती हैं। ये फॉर्मूले नोट करो। यस
सर जो मेड साहब होंगे वो ऑनलाइन होंगे? अच्छा अब इसके बारे में तो भी कुछ नहीं कह सकते, बस हाँ एक चीज कर सर। है कि आपके जो इंटरनल होंगे उसमें आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो अभी भी जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं, जिनकी एब्सेंट लग रही है, उनका नुकसान बहुत ज्यादा होगा, ये सर्टेन है। बाकियों का बाकी चीजें जैसे जैसे आती जाएंगी आपको पता चलती जाएंगी। ओके सर। सर हाँ जी बेटा। सर एक डाउट है छोटा सा। तो सर जो त्रिगाजी के अलावा जो दूसरी जितनी भी थ्योरी है उस पे जो फॉर्मूले में कुछ लिखा नहीं, किसके लिए वैलिड है, तो वो कौन सी फुटिंग के लिए वैलिड होगी? जिसमें अलग अलग फुटिंग के लिए जिस जिस थ्योरी में फॉर्मूला दिया हुआ है यस उसके सर लिए वही वो क्वेश्चन आपके पास आएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि बेसिक से आपको स्क्वायर फुटिंग का फॉर्मूला क्वेश्चन पूछ, ओके सर है सर मतलब ना? जो फॉर्मूला दिया हमें वही करना पड़ेगा ना उसी यस से। एग्जैक्टली। ओके सर यस सर थैंक यू। हेलो हेलो सर, सर आपकी अनुज, आवाज नहीं अनुज हेलो। निकिता बोलो, क्या डाउट है बेटा अनुज? हाँ सर एक चीज पूछना था। पूछो। सर फीस में जो कॉलेज के जो वेबसाइट पे जो ऑनलाइन फीस कर रहे हैं उसमें जो रजिस्ट्रेशन कोड डालने के बेटा वो प्रॉब्लम बहुतों को आ रही लिए, है। उसमें सर लेटरल एंट्री वाले का तो सर निकाल रही हूँ। उसके बारे में मैं अभी पता करके थोड़ी देर में तुम्हें बताता हूँ, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है? अभी अकाउंट्स ऑफिस में जाके ठीक है पता सर। करके बता दूंगा। यस सर थैंक यू। फॉर्म में नोट हो गए? यस सर ओके okay। ये क्वेश्चन करो।
दोनों मेथड से करना है इसे, तेरजागी स्कैम्पटन। सर स्टार्टिंग वाले में ये NCNQN गामा, मैं इसका NCNQN गामा नहीं दूंगा। क्वेश्चन पढ़िए, अपने आप बताइए, जानबूझ के नहीं दिया NCNQ गामा। देखो जरा, जरूरत है देने की? देखिए सर ये सी तो निकल गया, खैर कोहेशन। हाँ सर, फिर एन गामा जीरो हो जाएगा। यस, एन क्यू एन क्यू वन हो जाएगा। यस, इसलिए एन सी एन क्यू एन गामा नहीं दिया था। हेलो।